अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर हेल्प सेंटर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अडोब फोटोशॉप में आप फिल्टर वगैरह नेक्स्ट पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यूज फिल्टर इन अडोब फोटोशॉप, यह वीडियो का अनुमान है, जो टॉपिक है। चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले सिलेक्शन की हुई है, कहते हैं सिलेक्शन पे कटिंग पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं कैसे बेहतरीन वगैरह कटिंग वगैरह करते हैं। ये मैंने कटिंग की हुई है, ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है, पीछे वो बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, ये देख। मैं इसके कंट्रोल जे लिख कर मैं इसकी डबल कापी बना लेता हूँ। ये देखिए, अगर ये तरीका ठीक नहीं है तो ये देखें, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डबल कापी वगैरह बन गई, ये देखिए डुप्लीकेट लिया बन गई, इससे ये डुप्लीकेट लेयर जो बन गई है सही ऐसे ही रहने दें। पहले हम तस्वीर जो हमने कट की हुई, जो हमने पहले उसको हम सेट करते हैं। देखिए मैं एडजस्टमेंट में चल जाऊंगा, वहां से लेवल पे चल जाऊंगा ताकि मैं तस्वीर को थोड़ा सा सफ़ेद कर सकूं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने सफ़ेद कर दिया, इमेज में एडजस्टमेंट में चल जाऊंगा और फिर मैं जाने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा ताकि कलर मिक्सिंग मेरा ठीक हो जाए। इसके बाद मैं फिल्टर में चल जाता हूँ, कैमरा फिल्टर है ये पंद्रह में भी मौजूद है, डॉ 2018 में भी मौजूद है, आप जो वर्जन इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सा मैंने वाइट कर दिया ताकि अरेंजमेंट थोड़ा ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा ताकि कलर वाजिया हो जाए। मैं ओके कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये फिल्टर लग गया। अब इसके बैक को भी मैं सेट करता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक करके इसकी जो ग्रीन कलर है स्पेशली उसको मैं ज़्यादा करवा ताकि तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखिए ओके कर दूंगा। आप अब फिर कैमरा में ताकि ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देर ज़्यादा शो हो चुके, ये देखिए अब हम जो हमने तस्वीर पहले ही काटी हुई थी उस पर चल जाते हैं, कट की हुई थी कैमरा पर चल जाते हैं ताकि इस तस्वीर हम ज़्यादा से बेहतर सेटिंग कर सकें। कंट्रास्ट ज़्यादा करेंगे, हाईलाइट थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ताकि कलर सीम वगैरह सेट हो सके, शेडो भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए अपनी समझ तस्वीर आगे हम अरेंजमेंट कवर में चले जाते हैं, थोड़ा सा कम करेंगे ताकि इतना ज़्यादा शौक ना हो। आ गया फिर लेवल पे जाएंगे, ये थोड़ा सा आगे करेंगे, ये देख अब ऐसे लग रहा है कि तस्वीर वाकई एडिट की हुई है, नाम पता चल रहा है कि बैक कैसा, बैक भी बिल्कुल मैच हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए
अगर आप ये देखिए ये बेहतरीन तस्वीर बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वार्डनेस थोड़ी ज़्यादा कर रहा है तो वार्डनेस आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं और भी फिल्टर इस्तेमाल करूँगा अभी। ये देखिए ये रोर किया हुआ है, ज़्यादा नहीं करना वरना तस्वीर के कलर वगैरह वो खराब हो सकता है। कर दिया। ये देखिए अब मैं रिटचिंग की तरफ आता हूँ। रिटचिंग में जाने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है, ये मिक्सर ब्रश टूल वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये विड्थ लोड और मिक्स फ्लो, इसे आप इसी तरह सेट कर लें। अब ALT दबा कर यहाँ से कलर सेट कर लें। ये मैं ब्रश बड़ा कर रहा हूँ, इससे हम बड़ी आउटलाइन करते हैं। एंटर के साथ मौजूद है वो बटन, उससे मैं इसे बड़ा कर लूँ ताकि सेट हो सके। ये देखिए छोटा कर लेते हैं। ये देखिए मिक्सिंग वगैरह बेहतरीन हो गई है। वैसे इसमें मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कलर के लिए ये करनी पड़ी। देखिए इससे करने से आपको जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ, अगर थोड़े बहुत स्पॉट वगैरह निशान वगैरह वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये थोड़ा छोटा मैंने कर लिया। ये देखिए ये चीज़ें हैं ये बाहर वगैरह ये आसानी से मैं क्लियर कर सकूं। मैं इतने ज़्यादा रिटचिंग नहीं कर रहा था कि तस्वीर ख़राब ना हो जाए। ये देखिए थोड़े बहुत निशान वगैरह मौजूद है लेकिन इतने निशान वगैरह पे नहीं होता। अब अच्छी तरह रिटचिंग वगैरह करनी है। देखिए अब ये तस्वीर थोड़ी सी क्लियर होगी। इसके बाद आप कैमरा चले थोड़ा सा पीछे ताकि जो है टेम्परेचर वगैरह वो थोड़ा सा कम कर दे। उसके बाद इसे थोड़ा सा 10 नहीं कहूँगा सिर्फ 5%। ये देखिए बेहतरीन से बन गए। इसके बाद ना एक और फिल्टर है जिसे हम निक करेक्शन वगैरह में मिल जाता था, कलर फ्लक्स। ये देखिए ये लोडिंग वगैरह हो रही है। ये देखिए हम बैकग्राउंड में थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करूँगा। ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये करने के बाद मैं ट्रांस जो है ना फिलनेस वगैरह उनको मैं कम कर दूँगा ताकि अच्छा लगे। ये मैं बैक पे कर रहा हूँ, ओरिजिनल में नहीं कर रहा। मैं ओरिजिनल जो पिक्स है वो तो मैंने ऊपर कट करके रखी हुई है। ये ओरिजिनल है, ये सिर्फ कलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ बैक यूज कर रहा हूँ। निकल एनिमेशन बैक पे यूज होती है ताकि जो बैकग्राउंड है वो खूबसूरत हो सके।
सा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये तो थोड़ा सा। सेविंग आ गए थोड़ा सा तो हो गया ये बैकग्राउंड, थोड़ी सी बिल्ड थोड़ी सी कम कर देना ताकि अच्छा लगे इसको। ये देखिए इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कम। ये देखिए ये खूबसूरत बन गया बैकग्राउंड, ये देख रहे हैं ये कुछ निशान वगैरह हैं तेरी यहाँ ऐसे रंग। पहले तो इतना होशियार जो बाप को ब्लैक करें काला करें निशान वगैरह, ये मिलाना इसमें बैटरी बहुत कम कर दी, ये थोड़ा सा साइड में लिया ताकि बिल्कुल पता नहीं चले हमने बैकग्राउंड की कटिंग की हुई है क्या किया हुआ। ये देखिए ये देखिए इतनी तस्वीर बन गई, थोड़ी गलतियाँ वगैरह जरूर हैं तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये देखिए थोड़ा सही है, ऐसे बिल्कुल मुझे मुझे करना ताकि तुम पता ना चले। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर बन गई, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। और ज़्यादा फिल्टर्स हैं इसका मैं इस्तेमाल अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। मज़ीद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। देखिए मैंने सब पे सेव कर लिया, ये मैं JPEG में फाइल में सेव करूँगा। ये सेविंग ऑप्शन आ गया, 11 MB की बनी सेव हो रही है। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल तस्वीर है जी, और ये फिल्टर यूज होने के बाद देखते हैं फर्क आप खुद कर लें। लेकिन थोड़ा बहुत मसला हो सकता है वैसे तस्वीर को। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।